हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है दीपावली का दिन, हैप्पी दीपावली। और बस कहते हैं, हम लोग सुबह से उठ गए थे 5 बजे से। अभी तो खैर 11 बजे हैं, लेकिन 5 बजे से मैं उठ गई थी और सारे काम करे, डेकोरेशन वगैरह, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और भगवान जी का, जो हमारे हनुमान जी का रोट चढ़ता है, वो हमने पूजा करी। और उसके बाद में कहते हैं, अब मैं बना रही हूँ, कहते सब्जी में मैंने बनाई है नाश्ते में, मटर आलू की सब्जी, और पूड़ियाँ सेक रही हूँ, चाय बनने रख दी है। देखिए, और बस कहते हैं ये हम लोग का ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ये ही लंच हो जाएगा, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, 11 11:30 बज रहे हैं। और हस्बैंड और बच्चे जाएंगे शॉप, और फिर पीछे मैं बनाऊंगी कहते हैं रंगोली। और ये फूल भी आके रख गए हैं, आप देख सकते हैं आंगन में रखे हुए हैं फूल। तो बस कहते हैं ये जो है फूल आ गए हैं, ये कहते हैं गेट पर लगाएंगे, शाम को लगाएंगे, क्योंकि गाइस हमारे यहाँ बंदर बहुत आ जाते हैं, तो वो सारे फूल ले जाते हैं हमारे। तो क्या कहते हैं, रात को ही लगाएंगे जब हस्बैंड आ जाएंगे शॉप से घर पर। तो सो गुड आफ्टरनून गाइज। और बस हस्बैंड और बच्चे शॉप चले गए हैं, और मैं बैठी थी थोड़ी देर। एक्चुअली मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, दिवाली का काम करते करते इतना हेडेक हो रहा है। और बस मैंने कहते हैं अभी रंगोली बनाई है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसी रंगोली बनाई है। ये देखिए गाइज मेरी रंगोली, और ये मेरा आंगन है। ये इन वाले कलर से मैंने सारी रंगोली प्रिपेयर करी है, और ये छलनी वगैरह रखी हुई है। और ये मेरी रंगोली रेडी हो गई है। एक अब मैं मेन एंट्रेंस जो है मेरा, ये वाला, ये जो मेन एंट्रेंस है मेरा, भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करूँगी, तो फिर मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और उसके लिए गाइज मैंने जो स्टेंसिल्स होते हैं, वो मैंने यूट्यूब पे देखकर मैंने कट किए हैं कटिंग से, तो कहते हैं मैं वही यहाँ पे बनाने वाली हूँ। कॉर्नर को थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी, क्योंकि मेरा मेन एंट्रेंस बहुत छोटा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये, तो इस पर मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। बस ये मैंने फूल माला वगैरह लगाई है, ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर। और बस एक क्या कहते हैं यहाँ पे माला वगैरह लगाई है। और ये मैंने, ये वाली मेरी वॉल जो है ना, ये सब खराब हो रही थी, यहाँ पे सब सीलन आ रही है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कर्टेन और ये लगा दिया है, और ऊपर ये बंदर वार वगैरह लगा दिए मैंने, और लाइट भी लगाई है, अभी लाइट आ नहीं रही है तो ये लगाया है। और इधर ये मैंने लाइट लगा दी है, लेकिन ये एक्चुअली ये वाली जो लाइट है ना पीछे वाली, थोड़ी ठीक नहीं लगी है, तो इसको मैं अभी ठीक करूँगी, क्योंकि गाइज मैं अकेली हूँ, घर पे कोई भी नहीं है। और मेरा बेटा जो है बड़ा वाला, कहते हैं उसने मेरी हेल्प बहुत करवाई है, तो अभी वो शॉप गया है, तो बस मेरे को ही करना है जो भी करना है आज के दिन। तो बस रंगोली बन गई थी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। और बस कहते हैं मेन एंट्रेंस की रंगोली और बनाऊँगी, और जितने ऊपर तुलसा जी के पास बनाई है ऊपर छत पर टेरेस पर रंगोली, जो कि बहुत सुंदर बनाई है उसने, मोर बनाया है, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगी या शाम को दिखाऊंगी। और पूरी डेकोरेशन में पूरा घर का व्यू दूंगी आपको, कि मेरा घर का व्यू, छोटा सा घर है मेरा, और कैसा लग रहा है। सो गुड इवनिंग गाइस। और बस मेरी रंगोली बन गई है, और थोड़ी सी बनाई थी जो आपको दिखाई थी मैंने, और बज रहे हैं शाम के 5:30, और मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। और बस डेकोरेशन हो गई है, चलिए मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ कि कैसी डेकोरेशन हुई है। तो ये मैं ऊपर हूँ, और ये मैं आपको दिखाती हूँ अपना ऊपर का पार्ट, ऊपर का एंट्रेंस। ये देखिए जीने से आती हूँ मैं इधर से, तो ये मैंने अपना ऐसे सजाया है ये। और इधर ये कहते हैं मैंने अपनी, मेरी छोटी सी बालकनी है इधर, ये इधर ये मैंने एक प्लांट लगाया है, और प्लांट लगाया है, और एक मैंने ये बास्केट थी उसके ऊपर अपना स्टॉल बिछा के एक लैंप रख दी है, और एक यहाँ पे फूल गोल रोल करके एक माला रख दी है। अरे कहना क्या चाहते हो? और फिर उसके बाद एक लैंप मैंने यहाँ पे लगाई है। और फिर चलिए ऊपर चलते हैं, इधर ये कहते प्लांट रखे हैं मेरे, और फिर इधर से ऊपर चलेंगे। तो मैं आपको जीत की बनी हुई रंगोली दिखाती हूँ, ये देखिए ये जीत ने रंगोली बनाई है, और ये तुलसा जी वगैरह रखी हुई हैं सब प्लांट्स। और ये बस मैंने छत पे अपने आप से लाइटिंग की है थोड़ी बहुत ही, जो कि आप देख सकते हैं, और ये पिछले साल की लाइट थी गाइस, जो कि ख़राब हो गई है, तो अभी मैंने सोचा कि कुछ इसमें बल्ब जल रहे थे तो मैंने सोचा लगा दूं, तो ये वही जल रहे हैं। और अब वेदर देख सकते हैं, लाइटिंग सबके घर में वो रखी है,
सबके घरों में लाइटिंग हो रखी है गाइस, देखिए। और चलिए अब मैं आपको नीचे लेके चलती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। और गाइस नीचे आते ही देखिए, ये मैंने एक लाइट यहाँ पे लगाई है एलईडी, ये आप देख सकते हैं। ये एंट्रेंस है मेरा और यहाँ पे ये कहते हैं मैंने रंगोली बनाई है। और ये फूलों की माला गाइस अभी हस्बैंड आएंगे तभी लगाएंगे। और ये यहाँ पे गाइस मेरे पास एक मिट्टी का कुंडा रखा था, तो जो मैंने जन्माष्टमी पे यूज़ किया था उसमें मैंने थोड़ी सी फूल डाल दी हैं और थोड़ी सी ये कैंडल्स मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। और ये जो हैं मैंने वाटर कैंडल्स बनाई हैं, पता नहीं कितनी सक्सेस होंगी इसकी, एक बात ही तो ये डूबी गई है बिल्कुल। और एक ये हैं दो, और ये मटकी वाली कैंडल्स हैं, ये थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो यही सारी बस मैंने। और ये फेरी लाइट यहाँ पे लग रही है ये जो है, तो बस यही थोड़ी छोटी डोटी। अरे कहना क्या चाहते हो, मैंने डेकोरेशन किया। और देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको सुबह दिखाया था, ये जो है मैंने बंदरवार वगैरह लगाई है। और यहाँ पे मेरी दीवार जो है ये ख़राब हो रही थी सीलन की, तो मैंने इसको स्ट्रिंग कर्टेन से थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है। तो बस ये यहाँ पे कहते हैं मैंने फूलों की पम पम वाली ये जो लड़ी आती हैं ये मैंने लगा दी हैं। और ये ऊपर गाइस मैंने यहाँ पे कहते हैं लगाया है एक। और बस यही है मेरा छोटा सा घर। और फिर अंदर कमरे में एंटर करेंगे तो ये क्या कहते हैं मैंने देखिए एक कहते हैं वाटर कैंडल यहाँ पे रखी है गाइस। और ये यहाँ पे मैंने DIY किया हुआ ये कार्डबोर्ड से बना हुआ रंगोली है, इसको मैंने डेकोरेट कर दिया है। और ये बोनसाई ट्री है, और ये भी मैंने गाइस कहते खुद ही बनाया है, जो कि आप लोग भी जानते होंगे कि ये कहते हैं मतलब कि कार्डबोर्ड है, नीचे उसके ऊपर एक पेपर स्टिक किया है, फिर ये लेस लगाई है। और ये चूड़ी है मेरी कड़ा, उस पर रिबन लपेट के ऐसे डेकोरेट कर दिया है, एक ये है। और यहाँ पे तो ये है ही मेरी लैम्प DIY। और ये देखिए, और ये मेरा सोफ़ा कवर। और बस अंदर कहते हैं आप देख सकते हैं, ये कहते हैं मैंने भगवान जी का मंदिर सजाया है। और गाइस मंदिर के जो भगवान जी के कपड़े हैं वो हम लोग आज चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि कल ग्रहण है, तो ग्रहण के बाद फिर चेंज करने पड़ेंगे। इसलिए कहते हैं मैं परसों ही चेंज करूँ, कल ही चेंज करूँगी, ग्रहण मतलब कि जब ख़त्म हो जाएगा तभी। तो यही है। और बस अब कहते हैं मैं खाना बनाऊँगी, और खाने में मैं बना रही हूँ गाइस शाही पनीर और रायता, और सुबह के मटर आलू रखे हुए हैं। और तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल, बस एक ही सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है सिर में और शोल्डर में, और तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। और बस ये सोच रही हूँ कि बस काम ख़त्म हो जाए, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। और आपको एक अपने मेन गेट पे बाहर दिखाती हूँ कि मैंने बाहर कैसी रंगोली बनाई है। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये देवी जी के लक्ष्मी जी के चरण बनाए हैं मैंने यहाँ पे। सो गाइस यही है कहते हैं दीपावली की मेरी डेकोरेशन। और जब आपसे कह रही थी ना कि लाइट हट गई, ये वाली लाइट पता नहीं हट गई है अभी ऊपर से, तो इसको भी मैं आकर देखो मैनेज कर, इसको अभी थोड़ी देर बाद सही करूँगी अगर कुछ हो सकता है तो। तो बस यही है डेकोरेशन। और एक ये है, ये वाला जो बल्ब होता है ये बहुत अच्छा लगता है, ये आप देख सकते हैं ये ऊपर लगा हुआ है। तो बस यही छोटी छोटी कहते हैं डेकोरेशन दीपावली पे अच्छी लगती है और घर अच्छा लगता है। तो चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, और बस अब बज गए हैं शाम के 6:30 और हम लोग खाना बना रहे हैं। और थोड़ा सिर में दर्द हो गया था तो थोड़ा लेट हो गया है मेरे को, और खाने बना रही हूँ शाही पनीर और पूरी। और हस्बैंड घर आ गए हैं और बस पूजा की तैयारी कर रहे हैं जीत और हस्बैंड। और बस देखिए मेरी वाटर कैंडल्स जो मैंने तैयार की थी कितनी अच्छी लग रही हैं। ये देखिए एक ये है,
और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एक ये जल रही है, एक ये है। सो गाइज, ये बिना पैसों के, बिना वैक्स के, कहते हैं वाटर कैंडल, मैंने तैयार की है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और इसमें थोड़ा सा अरोमा डिफ्यूज़र भी डाल दीजिए, अरोमा, सॉरी, अरोमा ऑयल, डिफ्यूज़र नहीं, आई एम सॉरी। तो बहुत ही सुंदर लगती है। और बस मैं खाना बना रही हूँ, शाही पनीर, और ज़्यादा कुछ नहीं करा है शाही पनीर में, बस प्याज पीस के मैंने भूनी है और टमाटर डाल दिए, सारे स्पाइसेस, और काजू मेरे पास थे नहीं आज अवेलेबल, तो काजू नहीं डाले हैं। अदरवाइज़ टमाटर में या प्याज में काजू भी आप कहते हैं पीस के डाल दीजिए अगर डालना चाहते हैं। और बस मैं इसमें कहते हैं थोड़ी सी मलाई ऐड करूँगी फ्रेश वाली, और फिर पनीर डाल दूँगी, और फिर ऊपर से कसूरी मेथी। ये देखिए इसका मसाला भुन रहा है। गैस, तबीयत इतनी ख़राब हो गई मेरी कि बस मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही मेरे सिर में दर्द बढ़ गया था, तो मैं शूट नहीं कर पाई कुछ भी, और लेट गई थी तो लेट भी हो गया है, काफ़ी काफ़ी लेट हो गया है। तो बस अब ये सब्जी बन जाएगी और जल्दी से आटा मार लूँगी। और दिव्यांश की भी तबीयत ख़राब हो गई है, उसको भी फीवर जैसा फील हो रहा है, तो बस वो अभी थोड़ी देर के लिए ऊपर रेस्ट करने गया है, बोला मम्मी थोड़ी देर मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। मैंने कहा हाँ, फिर बस हम लोग पूजा करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, और पूजा हो चुकी है गाइस, और बस हम लोग ऊपर दिए रखने आए थे, तो मैंने आपसे ऊपर से ही मैं मिली हूँ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ डेकोरेशन, ये देखिए, और देखिए छत पर भी हम लोगों ने कैंडल्स लगा दी हैं, और बहुत पटाखे फूट रहे हैं, तो हो सकता है आपको आवाज़ ना आ रही हो, ये मेरी छत है। गाइस कैंडल्स बुझ गई हैं, हवा चल रही है, और इधर कैंडल्स इसलिए नहीं लगाई हैं क्योंकि पौधे रखे हुए हैं। और ऊपर पटाखे फूट रहे हैं गाइस आसमान में। चलिए अब नीचे लेके चलती हूँ मैं। अब बस गाइस, अब खाना खाएंगे, अब मैं नीचे दिखाती हूँ आपको। इधर भी देखिए दिए जला दिए मैंने, और ये अब बस गाइस देखिए पूजा हो चुकी है, यहाँ पे भी दिया जला दिया है। और गाइस कुछ कहते हैं मैंने करा भी नहीं था, मेरे दर्द हो गया था, और पूजन हो चुका है। सो गाइस पूजा हो चुकी है दिवाली की, और आप सभी को हैप्पी दीपावली, और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने चेंज नहीं करा क्योंकि मुझे मेरी बहुत ज़्यादा सिर में दर्द था, देख सकते हैं, बस मैंने बाल कॉम कर लिए थे और मैंने कुछ भी नहीं करा। मेरा बेटा बोल भी रहा था मम्मा साड़ी पहन लो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी। खाना भी मैंने बहुत लेट बनाया है जैसा कि मैंने आपको बताया, और बस अब कहते हैं बज रहे हैं 10, तो बस अब खाना खाएंगे, फिर पटाखे फोड़ेंगे, तब मैं आपको दिखाती हूँ खाना खाने के बाद, मिलती हूँ मैं आपसे।
खाना खा रही हूँ, पटाखा फूट रहे हैं। रॉकेट चला रही हूँ। ऊपर से साइड हट जा सकते। मुंह हटाओ अपना ऊपर से मुंह। सो गाइस, हो गई है दिवाली, पटाखे फोड़ लिए और बस थोड़ी देर कहते देख रहे हैं छत पे, पटाखे फोड़ लिए हैं। बस मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।